रूस तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज पहली खबर जो आ रही है वो है गुजरात से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस शुरू होने वाली है रेलवे द्वारा तो यहाँ पर सूरत भरूच और सूरत वापी ये दो रूट देखे जा रहे हैं लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए इसका मतलब ये है की जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है वैसे इन शहरों को कनेक्ट करते हुए भी लोकल ट्रेन सर्विसेस चलाई जा सकती है और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की स्ट्रेटेजी है कि अगले पचास साल के हिसाब से वो नीड्स देखे और सूरत रेलवे

खबर दोस्तों जो आ गई है वो है हैदराबाद से जहाँ पर लिंक रोड जो मुशी रिवर के बन रहा है अंबरपेट को कनेक्ट करने के लिए के लिए लिए ये अगस्त में लोगों खुल जाएगा ऐसी संभावना है तो ये अंबरपेट में, में और ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन अभी किलोमीटर का आज है जो इस रोड के बनने के बाद में थ्री किलोमीटर बन जाएगा यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ पॉइंट किलोमीटर की रोड वाइडनिंग बची है जिसके बाद में इस रोड को ओपन अप किया जा सकेगा लोगों के लिए अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जहाँ पर

कुकरेल रिवर को रिजेनोवेट करने के लिए कुछ नए एफर्ट्स किए जाने वाले हैं और साबरमती रिवरफ्रंट जिस तरीके से अहमदाबाद में डेवलप किया गया है उसके तरीके से ही यहाँ पर भी डेवलपमेंट होने की बात की जा रही है अब करेंटली यहाँ पर दिक्कत यह है कि बहुत ही बड़े लेवल पे इंक्रोचमेंट है कुकरेल रिवर बेड के अंदर इसको डेमोलिशन किया जाएगा डेमोलिशन ड्राइव वैसे ऑलरेडी अंडर है और तकरीबन वन लैख स्क्वायर किलोमीटर या चौबीस एकर्स का यहाँ पर इंक्रोचमेंट है इसको कम्प्लीट करने के बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा और दो टुकड़ों में ये रिवरफ्रंट होगा

बहुत ही ज्यादा पैसा कमा पा रहा है तो यहाँ पर एनएचआई सिमिलर चीज के लिए स्पेशल बॉडी बना रही है अगली खबर दोस्तों इंडियन रेलवे रेलवे से रिलेटेड जिन्होंने कर दिया है फाइनल लोकेशन सर्वे फॉर न्यू कनेक्टिविटी टू नेबरिंग कंट्रीज तो यहाँ पर दोस्तों ये चौदह लाइने इंटरनेशनल होगी जहाँ पर बांग्लादेश नेपाल ये अलग अलग देशों के हम कनेक्टिविटी को देखेंगे अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ में तो कुछ करने नहीं वाले जो लाइंस है वो अभी भी बंद है और अगर ये लोकेशन टोटल देखे सारी लाइंस का तो ये वन

डबल टेकअप फ्लाईओवर जो थ्री पॉइंट थ्री किलोमीटर दोस्तों रिलेटेड तो नहीं जानते उड़ानीम के बारे में तो ये छोटी एयरपोर्ट और एवियशन इंडस्ट्री को बुस्ट देने वाली स्कीम है जब ऐसे रीजन पर फ्लाइट जो है मॉनिटरली सस्टेन नहीं होगा

फासी घाट कोलकाता से रूपसी कुल्लू से जयपुर ये कुछ रूट्स जो है वो अभी ऑपरेशन हो जाएंगे है, है बेंगलुरु मेट्रो से रिलेटेड बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉपोरेशन को सीबीटीसी सिग्नलिंग प्रोवाइड करने के लिए और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाने के लिए जो अपकमिंग मेट्रो लाइन के लिए होंगे तो यहाँ पर तीन मेजर कॉरिडोर के अंदर सिग्नलिंग प्रोवाइड करेंगे और

और नौ जो सूरत में टर्मिनेट होनी थी वो उधरा में टर्मिनेट होगी तो यहाँ पर थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा लेकिन जो काम चल रहा है उसके लिए जरूरी थार इज ग्रोथ इन एविएशन इंडस्ट्री सो देखो यार एयरलाइन एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जहाँ पर सबसे बैंक होती है में ना, चाहे वो ऑयल प्राइसेस बहुत कम हो बहुत सब कुछ सही चल रहा हो डिमांड हो फिर भी एयरलाइंस क्रैश होती है क्योंकि बहुत कम चीजें गलत जाने की जरूरत

कंपनीज़ इंटरनेशनली भी है जो बहुत कुछ सही करते हुए नजर आ रही थी लेकिन एविएशन इंडस्ट्री खराब नहीं हुई थी तो एविएशन इंडस्ट्री तो अच्छी चल रही थी इनफैक्ट जेट एयरवेज इंडी समय पर बूम होना शुरू हुए हो थे लेकिन फिर भी किंगफिशर बंद हो गई थी उनकी अपनी दिक्कतें थी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मार्केट सिनेरियो डिपेंड तो करता है लेकिन उससे इंटरनल सिनेरियो डिपेंड करता है वरना अगर ऐसे

करना हो गया सबके लिए बहुत डेट भी उठाया जाता है बहुत हाई ग्रेड्स पैसे भी लिए जाते हैं बड़े बड़े पेमेंट डीले हो सकते हैं तो ये दिक्कत भी होती है उम्मीद करता सवाल का जवाब मिल गया होगा अगर आपके पास कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक है उसके जरिए न्यूज सबमिट कर सकते हैं बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए रोज हम ले आते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो